हेलो गाइस, दिस इज सोम सा और आप देख रहे हैं हम सब यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स के बारे में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास टेन के पर्पज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। फुल्ली हैंड रिटन नोट्स आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। अरे रुक जा, पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। उससे पहले 4 से 5 मिनट सुन लो मेरे बात, इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं 4 से 5 मिनट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप का पढ़ना है, क्या इस नोट्स को पढ़ के हो जाएगा पूरा लोगों का, उसके बारे में बात करेंगे। तो रुक जाओ थोड़ा, 4 से 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। आराम से 4 से 5 मिनट सुनो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और लिंक को डाउनलोड कर लेना। और एक बात भाई, 78% पीपल सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। 78% पीपल सब्सक्राइब नहीं करता है, सिर्फ 22% पीपल सब्सक्राइब करता है चैनल को। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, कम से कम 5 से 6 शेयर कर दो, 5 से 6 जाना व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, पर हमको ही मजा आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो चलो फिर प्यारा प्यारा नोट्स घूंघट उठाते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। मैंने खुद पढ़ के इस चैप्टर को, 2-3 बुक पढ़ के शॉर्ट डेफिनेशन निकाल के इस चैप्टर को बनाया, मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिख के इस नोट्स को बनाया है बाई TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला, मेरे तरफ से बनाया गया है। फुल्ली हैंड रिटन नोट्स है, एज पर रिवाइज सिलेबस, CBSE का जो रिवाइज सिलेबस इस बार आया था उसके बेसिस में मैंने राइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन चैप्टर को बनाया है, फिजिक्स का है क्लास 10th के लिए। अब नेक्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, ताकि आप लोग आगे जाकर रिवाइज करें, मतलब आगे जाकर रिवाइज करें चैप्टर को। तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को हम लोग छोड़ के रखें, क्या क्या रिवाइज करना है, किस टाइप का पढ़ना है, आप लोग को बेसिक आइडिया रहे, इसलिए फ्लो चार्ट बनाए हैं हम। रिफ्लेक्शन का अलग है फ्लो चार्ट और रिफ्लेक्शन का अलग फ्लो चार्ट है। रिफ्लेक्शन चैप्टर रिफ्लेक्शन का अलग फ्लो चार्ट है और रिफ्लेक्शन का अलग फ्लो चार्ट है, दोनों ही अलग टॉपिक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट के अंदर आता है, लाइट के क्या दो पार्ट होता है, रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन, दोनों ही मैंने बना के रखे हैं। रिफ्लेक्शन का एक हो गया और रिफ्लेक्शन का एक हो गया। अब देखो सिर्फ फ्लो चार्ट को पढ़ के 50-60% क्वेश्चन आप लोग आराम से बन जाएगा, सिर्फ फ्लो चार्ट को पढ़ के। देखो फ्लो चार्ट में क्या है, सर इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, सारा कुछ सब सेम चीज हम लोग देखने वाले हैं पूरा चैप्टर में। तो आप लोग को यहीं पर फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, शॉर्ट डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको ही सिर्फ पढ़ के जाएं हम लोग, सिर्फ फ्लो चार्ट को पढ़ के आराम से 40-50% मीन 60% क्वेश्चन तो आराम से बना लेंगे, सिर्फ 60% क्वेश्चन सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है वो हम लोग नोट्स में देखने वाले हैं। फॉर्मूला पढ़ के भी अगर मान लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आराम से फॉर्मूला देख के बना सकते हैं, पर फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो हम लोग नोट्स में देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट ही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, चारों का इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने बता रखा है इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ होता है, इसको भी पढ़ के जाएं तो अभी लोग 40-50% क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, मीन्स 50-60% क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, राइट। तो चलो आप मेन टॉपिक में आते हैं। देखो आप पहले क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन टॉपिक पूरा देखेंगे पहले हम लोग, प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्पेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, कंकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उसका कुछ टर्म्स, स्पेशल टर्म्स क्या है, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, R=2f, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ। देखो दो तरह का एफ है, स्मॉल एफ है, एक बिग एफ है। देखो बिग एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो इसको ध्यान रखना हमेशा, बिग एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो R=2f में स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ यहाँ पर है। कॉनकेव मिरर का इमेज, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज हो गया। अब देखो डिफरेंट केसेस ऑफ रेज फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। देखो चार केस है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। देखो ये चार केस बहुत सारा नोट्स में आप लोग को नहीं मिलेगा, नोट्स में स्किप कर दिया, बहुत सारा आप लोग चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पर ये चार केस स्किप कर दिया जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता नहीं। अब तुम लोग क्वेश्चन आ सकता है, भैया आप फिर बता क्यों है चार केस, एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, हम लोग पढ़ के फायदा किया, टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो ये चार केस पढ़ के हम लोग ये चार केस आगे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में, ये दोनों ही जगह हम लोग यूज़ करेंगे, एग्जाम में नहीं आने वाला चारों केस। देखो क्या है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखो
आफ्टर रिफ्लेक्शन पार्सल थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एफ मतलब क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो ये चीज हम लोग कंकेव मिरर में यूज करेंगे। सेम केस टू में भी ये है, कंबेक्स मिरर के लिए है, कंकेव मिरर के लिए है, कंबेक्स मिरर के लिए है, फिर कंकेव के लिए है, कंबेक्स के लिए है। तो ये सब हम लोग केस आगे यूज करने वाले इमेज फॉर्मेशन में। अब मैंने पहले ही बता चुका है कि इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आराम से इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ के आना एग्जाम में, अगर मार्क्स लाना है तो। इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाई कंकेव मिरर हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाई कंबेक्स मिरर हो गया, यूजेस ऑफ कंकेव मिरर आता है हमेशा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूजेस ऑफ कंकेव मिरर, यूजेस ऑफ कंबेक्स मिरर। तो 3 पॉइंट हम लोग लिख देना है, 4 पॉइंट मैंने बताकर रखे हैं यहाँ पर, देखो 3 पॉइंट कोई भी 3 पॉइंट आप लोग को जो भी अच्छा लगे लिख देना है। फिर यूजेस ऑफ कंबेक्स मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज डिस्टेंस और एफ क्या है फोकल लेंथ, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एफ मतलब क्या, स्मॉल एफ मतलब क्या होता है फोकल लेंथ। देखो ये फॉर्मूला का बेसिस से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, इस फॉर्मूला के पूरा चैप्टर से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन पूछ देगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m = hi/ho, इस फॉर्मूला से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूला से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ना है, स्पेशली फॉर्मूला को भी अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब भी फॉर्मूला को यूज करेंगे यू वी एफ हम लोग साइन कन्वेंशन देख के यूज करना है। मान लो यू अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सेस में है तो नेगेटिव में रहेगा, अगर एक्स एक्सिस में इस साइड राइट साइड में तो पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव रहेगा, और वाई डैश में रहेगा तो क्या होगा नेगेटिव रहेगा। उसका हमेशा ध्यान रखना है, यू वी एफ जब भी यूज करेंगे लोग साइन कन्वेंशन का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अलग अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक हुआ और एक रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन में क्या है ग्लास स्लैब, इसका इमेज पूछा जा सकता है एग्जाम में, आराम से बनाकर प्रैक्टिस करके जाना। उसका नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लो क्या होता है, लॉज क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये सब अच्छे तरह से पढ़ के जाना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेज। देखो रिफ्लेक्शन में क्या मिरर पढ़ते थे, और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे लेंस के बारे में। रिफ्लेक्शन में क्या था कंकेव मिरर, कंबेक्स मिरर, और रिफ्लेक्शन में क्या होगा कंबेक्स लेंस एंड कंकेव लेंस, ठीक है। कंबेक्स लेंस किसको बोलते हैं, कंकेव लेंस किसको बोलते हैं, इसका भी टर्म्स देखो, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, ये सब सारा मैंने बता रखे हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज फॉर फॉर्मिंग एन इमेज आर केस 1, केस 2 एंड केस 3। देखो 3 केस है टोटल, कितना है 3 केस, और रिफ्लेक्शन में कितना था 4 केस था। ये भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इसको पढ़ना है कि इसका यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कंबेक्स लेंस में करने वाले हैं और कंकेव लेंस में करने वाले हैं, इसलिए उसको केस को अच्छे तरह से पढ़ना। इमेज फॉर्मेशन बाई कंबेक्स लेंस हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाई कंकेव लेंस हो गया, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है m = hi/ho, ठीक है। लेंस का भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है m = hi/ho, where hi इज हाइट ऑफ द इमेज एंड ho इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। और देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, मिरर फॉर्मूला क्या था 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस फॉर्मूला क्या है 1/v - 1/u = 1/f। तो चेंज हो गया, वहां पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, 1/v - 1/u = 1/f। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है p = 1/f, और इफ द पावर ऑफ लेंस इन द सेंटीमीटर देन द पावर ऑफ लेंस p = 100/f, f इज फोकल लेंथ, क्या है f क्या है फिर से फोकल लेंथ। तो आराम से चैप्टर को पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट लेके पढ़ना है, रटना नहीं है हम लोग को, रोड लर्निंग नहीं चाहिए हम लोग को, समझ समझ के पढ़ेंगे, कंसेप्ट लेके पढ़ेंगे, आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में रटने का कुछ है ही नहीं, 2-4 फॉर्मूला है, 2-4 इमेजेस से फॉर्मेशन कैसे होता है उसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। पूरा नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर PDF डाउनलोड करो और अच्छे तरह से पढ़ जाओ। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इस नोट्स को पढ़ के क्या हम 100 स्कोर कर सकते हैं, नहीं इस नोट्स को पढ़ के आप लोग 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको इसके साथ इंटरेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंटरेस्ट क्वेश्चन जो होता है NCERT का उसको करना है आपको, प्लस PIQs दोनों ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोग 100 स्कोर कर सकते हैं। इस नोट्स को सिर्फ पढ़ के आप लोग 85 आराम से स्कोर कर लेंगे, 80-85 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं इस नोट्स को सिर्फ पढ़ के। और आप लोग 100 स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, तो आपको PIQs लगाना पड़ेगा या एक्सरसाइज क्वेश्चन जो NCERT में दिया हुआ है इंटरेस्ट क्वेश्चन, वो सब आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर जाइए, आराम से 100 मार्क्स आप लोग को आ जाएंगे। इसलिए सिर्फ इस नोट्स को पढ़ के आप लोग 100 स्कोर नहीं कर सकते। देखो हमें बोल सकता तो 100 स्कोर कर लेगा, तो मैं इसको पढ़ लो या कर लोगी इसको पूरा पढ़ लो पूरा नोट्स को, ये बोलना नहीं हमको, इस टाइप का वीडियो नहीं चाहिए हमको, पूरा अच्छे तरह से हमको पढ़ना है नोट्स को, प्लस PIQs इंटरेस्ट क्वेश्चन लगाना है, तभी हम लोग 100 स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हम देखें वहाँ बोलता है कि इसको नोट्स को पढ़ लो आराम से 100 स्कोर कर लेगा, गलत बात है, एकदम नोट्स को भरोसा नहीं करना है, नोट्स को पढ़ना है ठीक है, प्लस हमको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है,
तभी हम लोग आराम से 100 स्कोर करेंगे। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, पीएक्यूज को प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी को छूना है, कम से कम छू के पलटना है, कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं, पीआईक्यूज करना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही हम लोग 100 स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।